हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते. पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है. मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है. कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, यह गलती है, ये ब्लंडर है. अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है. कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके, हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना है. मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को यह बोलो. आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए. अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो. कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी. तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे. ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे.